उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिया गया। किसी भी पार्टी की तरफ से नामांकन नहीं किया गया था। नामांकन की तारीख आखिरी 5 सितंबर थी। आपको बता दें कि बीजेपी के हरिद्वार दुबे के निधन से यूपी में एक राज्यसभा सीट खाली हो गई थी, जिसके लिए 15 सितंबर को उपचुनाव होने थे। इस सीट से निर्वाचित दिनेश शर्मा का कार्यकाल नवंबर 2026 तक होगा। वह राज्यसभा के सांसद रहेंगे। राज्यसभा चुनाव के सहायक निर्वाचन अधिकारी अजीत शर्मा ने शुक्रवार को जानकारी दी कि दिनेश शर्मा को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। दिनेश शर्मा के राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने से यूपी में विधान परिषद की एक सीट खाली हो जाएगी। वाराणसी के जिला जज की अदालत ने ज्ञानव्यापी परिसर के एएसआई सर्वे के लिए 8 हफ्ते का समय बढ़ा दिया है। कोर्ट ने 56 दिन बाद कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। दरअसल पहले 2 सितंबर को जमा करनी थी सर्वे की रिपोर्ट, जिसके बाद एएसआई ने कोर्ट से सर्वे को पूरा करने के लिए 8 हफ्ते का समय और मांगा था। गुरुवार को 2 सितंबर के बाद भी सर्वे जारी रहने पर मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया था। इस पर कोर्ट की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। अलीगढ़ में डेंगू का कहर लगातार जारी है। एक ही दिन में डेंगू के 7 मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें कि अकराबाद के नानऊ, छर्रा के सांकरा, रानी आलमपुर, अतरौली, जमा, खैर व लौधा में डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें इलाके में पहुंची। पीड़ित मरीजों के अलावा आसपास के घरों में मरीजों की जाँच की गई और जिन घरों में बुखार के मरीज पाए गए वहाँ छिड़काव किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सचेत रहने की अपील की है। बीमारी की बढ़ती रफ्तार से स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। मेरी माटी मेरा देश को लेकर सहारनपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिले के डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि 11 सितंबर से 30 अक्टूबर तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। शहर और गांव के घर घर जाकर मुट्ठी भर मिट्टी और चुटकी भर चावल इकट्ठा किया जाएगा। आपको बता दें कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाओं और नायकों से परिचित कराया जाएगा। वीरों को सम्मानित भी किया जाएगा। सुसज्जित वाहनों में ढोलक और नगाड़े के साथ अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी। सुसज्जित रेलगाड़ी से अमृत कलश यात्रा 28 अक्टूबर को दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी। 30 अक्टूबर को नई दिल्ली में कार्यक्रम का समापन समारोह का आयोजन होगा। अयोध्या में राम मंदिर का काम जोरों पर चल रहा है। इसी बीच अयोध्या में दुबई का बना एक जटायु क्रूज अयोध्या पहुंच गया है। आपको बता दें कि क्रूज एक बड़ा जहाज होता है। दुबई से अयोध्या पहुंचा जटायु क्रूज सरयू नदी में उतारा जाएगा। श्रद्धालु मात्र 300 रुपए में जटायु क्रूज का लुफ्त उठा सकेंगे। सरयू नदी में 18 किलोमीटर लंबी जलमार्ग यात्रा में यह क्रूज गुप्तार घाट से अयोध्या के बीच चलाया जाएगा। क्रूज में एक बार में 70 श्रद्धालु अंदर और 30 श्रद्धालु ऊपर, कुल मिलाकर एक बार में 100 श्रद्धालु जटायु क्रूज से लंबी जलमार्ग यात्रा का लुफ्त उठाएंगे। अचानक से मौसम में हुए बदलाव ने गर्मी और उमस झेल रहे लोगों को राहत दी है। हालांकि ज्यादा राहत पूर्वी उत्तर प्रदेश को मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक या दो जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बिजली चमकी और हल्की बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई। मौसम के लिहाज से अगले 3 दिन चेतावनी भरे होंगे। बीते 24 घंटों से जारी बरसात का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे कई इलाकों के लिए अहम बताए हैं। अमेठी, अयोध्या, बदायूं, बहराइच, बरेली, बाराबंकी, एटा, फरुखाबाद, गोंडा, हरदोई, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कासगंज, खीरी, लखनऊ, मैनपुरी, रायबरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर व आसपास के इलाकों में भारी बरसात के आसार हैं। मौसम विभाग ने सावधान रहने को कहा है। भारत 9 सितंबर से शुरू होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। इस मौके को यादगार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के कलाकार ने चारकोल से अनूठी कला बनाई है। कलाकार जुहेब खान ने G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तस्वीर बनाई है। साथ में उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री की भी तस्वीर है। मैं समय समय पर हिंदुस्तान में घटित घटनाओं पर आधारित चित्र बनाता हूँ। इसी बीच मैंने एक G20 से संबंधित 10 फुट का कोयले से चित्र बनाया है, जिसमें G20 जो हमारा स्लोगन है उसमें जो ग्लोब दिखाया गया है
उसके अंदर मैंने सभी राज्य प्रमुखों का चित्र बनाया और साइड में मोदी जी उन सबको नमस्कार कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं इंडिया में। और इसके संबंध में मैं एक संदेश ही देना चाहता हूँ कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह है, इसीलिए मैंने उसके नीचे वसुधैव कुटुंबकम कम लिखा है। जुहेब की इस अनोखी कला की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। घोसी की जीत से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। हालांकि बीजेपी ने घोसी की सीट जीतने के लिए मंत्रियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं की पूरी फौज जमीन पर उतार दी थी। बावजूद इसके सीट निकल जाना बीजेपी के लिए बड़ा संदेश है। घोसी विधानसभा सीट पर बीजेपी के दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच कड़ा मुकाबला चलता रहा और आखिर में जीत सपा की हुई। इस जीत में समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव का अहम रोल माना जा रहा है। राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के नेतृत्व में यह दूसरी जीत है। इससे पहले मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भी सपा ने जीत दर्ज की थी। इससे चाचा शिवपाल यादव का भी कद बढ़ा है। जीत की खबरें आते ही सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव प्रदेश कार्यालय आ गए। सपा कार्यालय में देर शाम तक जीत का जश्न चलता रहा। कार्यकर्ता समाजवादी कार्यालय ढोल बजाकर जश्न मनाते दिखे। कार्यालय के बाहर खुशी में पटाखे भी जलाए गए। दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय में सन्नाटा दिखा और इस हार के बाद बीजेपी के नेता आत्ममंथन में जुट गए कि लोकसभा चुनाव से पहले इस हार के क्या मायने हैं और आगे के लिए रणनीति में क्या बदलाव किया जाना चाहिए। अयोध्या में बन रहा रामलला का मंदिर लगभग अपने आखिरी पड़ाव पर है। मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए मंदिर के गर्भगृह में महाराष्ट्र की सागौन लकड़ी के दरवाजे लगाए जा रहे हैं। सागौन लकड़ी से तैयार दरवाजों में चक्र, गदा, त्रिशूल और गणपति के खूबसूरत चित्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी की आयु कई सौ वर्ष होती है, जिससे यह काफ़ी सालों तक सुरक्षित रहेगा। वैज्ञानिकों की सलाह से ऐसा किया जा रहा है। जनवरी 2024 में पीएम मोदी रामलला मंदिर का उद्घाटन कर सकते हैं। उसके बाद मंदिर आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। कुछ दिनों पहले तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर एक विवादित बयान दिया था। बयान में उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया एवं कोरोना की तरह देश से बाहर निकालने की बात कही थी। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने उदयनिधि स्टालिन की 13वीं कर दी। इससे पहले परमहंस आचार्य ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह ऐलान किया था कि जो उदयनिधि स्टालिन का सिर कलम करेगा मैं उसे 10 करोड़ का इनाम दूंगा।